अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग की आले जी, ताड़ा उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी हूँ जी आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स मॉर्निंग टाइम, राना भाई जा रहे हैं जी स्कूल, और लाडली जो उनसी है वो मामा का साथ देती थी, पता नहीं मामा के साथ उसकी ऐसी अटैचमेंट है या दोनों मकदातीस हैं। मामा उठी है तो बच्ची का उठना बहुत ज़रूरी है, तो बच्ची ने फिर सोना है जी टका के, तो इधर राना भाई जा रहे हैं स्कूल, राना भाई जो जो खाएंगे और लाडली देती है जी स्पेशल उनका साथ। अच्छा किस किस के घर में ऐसा होता है, बच्चों के लिए तो स्कूल की चीज़ आती रहती है, जो घर में टहने मैने होते हैं ना उन्होंने जी ज़रूरी लेनी होती है, उनके साथ भी लेनी होती है उनके बाद भी लेनी होती है, और उनको सबसे ज़्यादा घर की ना मालूम बात होती है कि ये चीज़ें किधर पड़ी हैं तो कितनी पड़ी। बाजी यही हिसाब हमारा, देख लें जी आप देखें फिर। दिन चढ़ता है जी, तो कम 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 है, मैं कहनी हाँ कि कमां तो अलावा कोई भी और भी कोई जिंदगी है वे, एक काम मुक जाए तो फिर दूसरा काम, तो दूसरा काम मुक जाए तो तुम तीसरा काम कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों की आवाज़ा सुनो नारे, आज हम पकाने लगे हैं राजमा, कोई इसको ग्रीन वो रेड लोबिया भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, अपनी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको मैंने जो पानी के अंदर मैंने भिगोया हुआ था ना वो मैंने इसको उंडेल दिया, तो अब मैं ना प्रेशर लगाऊंगी, ठीक है। चुन के हमने भिगोया था तो इसके अंदर जो जाएंगे ना वो जाएंगे दो अदद प्याज है मीडियम साइज़ के, और किले तीन छः सात हरी मिर्चें हैं, और दो बड़े बड़े आजकल ना टमाटर बड़े ज़बरदस्त आए हैं वो ऐड करूँगी, और इसके साथ हम जाएगा इसके अंदर लहसुन। लहसुन आजकल हमारा छीला हुआ आ रहा है, और देसी लहसुन ले रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है, ये ख़राब है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके ना मैंने हिसाब रखा हुआ, जब आप शोरबे वाली चीज़ बनाए ना उसमें लहसुन ज़रूर ऐड करें, ठीक है। लहसुन जिस्म को फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं है। दो मुट्ठी मैंने इसकी ये ऐड कर ली, इसमें स्पाइसेस जाएंगे। यह है जी माशाल्लाह, जो उनसे हैं राजमा और चावल बन के रेडी हो गए हैं। राजमा और चावल गरम गरम खाने में और फ्रेश फ्रेश खाने में इतना मज़ा आता है, और कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा ही हार्ड और फास्ट रूल है कि आप लोग बनाएं इसको गरम गरम, बस जी गरम गरम ही खाएं, ठंडे हो गए नहीं खाएं, ठंडे ठंडे हो के सुबह नाश्ते में भी खाने का बहुत मज़ा है। इधर जी मैं मेरी आदत है कि जब काम ख़त्म हो जाए ना फिर नहा के कपड़े फ्रेश, फिर बंदे का फ्रेश होने का ना मूड होता है, तो इधर मैंने कपड़े अपने प्रेस कर लिए हैं, लेकिन अब नहाते नहाते ना मुझे कोई दो और घंटे लग जाने हैं। पहले मैं करूँगी जी स्किन की टूनिंग, जो आपको पहले बाद में मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि आप जब नहाने लगे तो सबसे पहले ना फेस की क्लिनजिंग कर लिया करें, और ब्लीच करने में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आपने, और जिसकी वजह से आपकी स्किन जोन सी है ना वो ना जले और आपकी स्किन जोन सी है ना वो शाइन हो, और इसके बाद आप फेस पे क्या लगाएं ताकि इसका असर बहुत देर तक रहे, तो आपने देखना है जी वो मेरा सेकेंड व्लॉग। ये आप लोग ने क्या दिखा दिया, इट्स द माउथ वाटरिंग है, इसके साथ बड़े लवाजमात मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन इसके साथ क्या क्या मिलता है, ठीक है। और ये हम सब ने आज खानी है माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला माशाल्लाह बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता। एक पैकेट मिलता है जिसमें लोबिया चने और आलू के होते हैं, साथ चटनी होती है, साथ आपको पैकेट दिया जाता है खट्टे पानी का, साथ आपको दिया जाता है पापड़ी का, और ये चाट मसाला आपका सेपरेट होता है। अब मैं इसको उंडेल दे रही हूं,
सुनाए फिर वो कहानी सुनो। क्या कह रही थी आप, कहानी सुनाओ जरा। कहानी सुनो, मैं क्या होता है, मैं क्या हूँ। कहानी सुनो, कहानी सुनो, क्या होता है, पता मैं नहीं क्या क्या हूँ। होता है, चांद वाला। चांद वाला। सही, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं इधर आ, मुझे बता। बेचारा दिल तुम्हारा, इधर इधर बैठ मेरे बेटा। अल्लाह का नाम लिया करे, अल्लाह हमारा सजा ला दिया। अल्लाह हस्बी रब्बी बिस्मिल्लाह, हस्बी रब्बी सुनाए ना। वेरी गुड, शाबाश। तेरा प्यारा बेटा मेरे लिए दुआ मांग दे। आमीन, ज्यादा से ज्यादा पैसे। आमीन, पैसे ही मांगना का। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सुकून दे। आमीन। लाडली के आपने गाने भी सुन लिए, कहानी सुनो पता नहीं क्या होता है। बच्चों की ये लाडलियाँ जो उनसी होती है ना, बस माँ बाप को ही ना ज़िंदगी को बढ़ा देती हैं। और इधर ये देखे जी, बस जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर मैं कहती हूँ कि हमारे ज़माने में हमारे बच्चे टॉम और जैरी इतना देखते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब जो आपके जो बच्चे हैं, ये इतने व्लाग्स देखते हैं, ये वाले गेम्स वाले, कि मैं सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ठीक है, होता है, चलो ठीक है, हम भी बनाते हैं एक आधे 5-6 मिनट की वीडियो, लेकिन ये 1.5-1.5 घंटे की वीडियो देखते हैं उफल्ला। तो इसके बाद लेकिन जब वो मुबशर से दी के वो लगाते हैं ना व्लॉग्स, फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इधर जी टाइम हुआ है, हम पियेंगे ग्रीन टी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।